बिल्कुल दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ आप तमाम को अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजिंग ऑफ पेज लेआउट के हवाले से। पेज लेआउट के अंदर क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों अपना टॉपिक इधर चलने से पहले तमाम नए दोस्तों गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करता रहे। तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो को देखकर लाइक और कमेंट जरूर किया करें। तो चलें दोस्तों हम टॉपिक इधर चलते हैं। लेआउट में हम क्या क्या टूल होते हैं, कैसे कैसे उनका इस्तेमाल होगा। लेआउट में कलर का टूल होता है। ये देखें कोई भी कलर हम यहाँ से, ये मल्टी शेड्स होते हैं ये देखें, और फॉन्ट्स होता है कोई भी फॉन्ट हम लगा लें। और इसके अलावा इफेक्ट होता है शेडो, देखें कोई भी हम लगा लेंगे तो वो ऐसे ही शो करेगा। उसके बाद मार्जिन होता है, यानी कि सबसे पहले जब भी हम काम शुरू करेंगे तो पहले मार्जिन को सेलेक्ट करेंगे। आमतौर पर जो है वो नैरो मार्जिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ओरिएंटेशन हम पोर्ट्रेट रखेंगे। साइज A4 इस्तेमाल होता है आमतौर पर। ये साइज है, कॉलम्स आ गया, रेक्स का ऑप्शन आ गया, लाइन नंबर का आ गया, हाइफेंशन का ऑप्शन आ गया, ये वाटर मार्क है। तो फिर मैं तो एक तफसील से वीडियो अपलोड करूँगा। पेज कलर है, पेज को कोई भी कलर देना है आपने, ये देखें आप यहाँ से दे सकते हैं कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं यहाँ से। और पेज का बॉर्डर लगाना है कोई भी आपने यहाँ से लगा सकते हैं आप। ओके करें, ये देखिए पेज पर बॉर्डर लग गया है सारा। फिर इंडेंट का ऑप्शन होता है, ये स्पेसिंग का जो मैंने होम टैब पे बताया था, ये पोजीशन का होता है, ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, यानी कि कोई भी तस्वीर जो हम ऐड करते हैं प्रेजेंटेशन पे तो उसको कैसे रैप करेंगे। रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है एंड बैकवर्ड का ऑप्शन होता है, सिलेक्शन पेन का ऑप्शन होता है, अलाइन का ये देखें लेफ्ट लाइन सेंटर लाइन जहाँ पे भी करना हो कर सकते हैं, और ग्रेड का ऑप्शन है। तो दोस्तों ये पेज लेआउट के टूल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे वाटर मार्क के बारे में हम बात करेंगे तो जैसे ये यहाँ पे ले लेंगे, ये देखें पीछे दोस्तों, ये देखें पीछे सारा वाटर मार्क लग चुका है। ये आमतौर पर है वाटर मार्क जो है वो सॉफ्ट पेजेस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। ये देखिए जैसे यहाँ के यहाँ तस्वीर में शो हो रहा मार्जिन। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप तमाम दोस्तों को मार्जिन वगैरह की तो समझ आ गई होगी। यहाँ से कोई भी आप ले लें, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके ऊपर हमने तफसील से बात की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये टॉपिक जो है लेक्चर आज का पसंद भी आया होगा। तो तमाम दोस्त जो है वो ज़रूर इसके ऊपर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। तमाम दोस्तों से फिर एक मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।